मित्रों, कल से एक व्यर्थ का विवाद चल रहा है। मैंने कल बताया था कि एक एजेंसी की एक प्रतिनिधि मेरे पास आई। सब आप बहुत सारे आप में से मित्रों से बात होती रहती है, बहुत सारी बातें होती हैं। विषय चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, बहुत सारी बातें होती रहीं। उनमें से कुछ बातों के बीच में एक दो वाक्य आए जो मैं दोहराना नहीं चाहता। कल मैंने कहा था उसके बारे में कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि वे लोगों के अधिक निकट हैं और एक तरह से भारतीय जनमानस को, मैं आज दूसरी भाषा में उसको कह रहा हूं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको कि मैंने भारतीयता शब्द दिया। हम ये नहीं कर पाए, इस अर्थ में हमारी ये हार है। मोटी सी बात यह है, एजेंसी ने जो न्यूज भेजी उसमें शीर्षक लगा दिया मोदी की तारीफ। मैं नहीं समझता इसमें मोदी की तारीफ कहां है, किसी की तारीफ में मैंने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद जब मैंने स्पष्टीकरण दिया तो शीर्षक वो चलता रहा और उन्होंने, आपने भी देखा होगा, मेरे पास उसकी प्रति है लेकिन मैं उसको सामने रखना नहीं चाहता क्योंकि इस तरह की बहस में मैं नहीं पढ़ता, मेरी प्रकृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इसका हिंदी वर्जन है वो मॉडिफाई किया गया है। अब आपकी भाषा में उसका जो भी अर्थ होता हो, लेकिन सच बात यह है कि जो शीर्षक लगा वही शीर्षक चला गया। अब हर एक की समझ की एक सीमा होती है, मेरी भी, आपकी भी और सबकी, और हर एक की अपनी अलग अलग नियत होती है, उसी के हिसाब से लोग सारी स्थिति को समझते हैं। अब समझ और नियत अगर दोनों थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएं तो विवेक भी गड़बड़ा जाता है। मैं समझता हूं ये जो विवाद निकला ये उसकी वजह से निकला है। जहां तक भारतीयता का प्रश्न है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में, और एक उस व्यक्ति के रूप में जो किसी जमाने में पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखा करता था, मुझे मालूम है कि भारतीयता क्या है। मेरी पहली किताब जब छपी थी निराला की, उसमें देखिए मैंने प्रतीक किसको बनाया है, मैंने गांधी को बनाया है, प्रेमचंद को बनाया है, लोहिया को बनाया है, निराला को बनाया है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया है, ये मेरे प्रतीक है। बहरहाल उसकी भी सफाई मुझे नहीं देनी है क्योंकि मुझे किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है, वो कोई भी हो। मैं जानता हूं कि ये क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इसकी परंपरा क्या है, मुझे इसका पता है। किसी चुनाव में कोई अपनी तस्वीर पेश करके चुनाव जीत जाता है तो इससे वो प्रतीक नहीं हो जाता। ये क्या आ रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत जगह, भारतीयता के प्रतीक नहीं है। किसने कहा है कि मोदी भारतीयता के प्रतीक हैं? ये मेरे शब्द नहीं है, अपनी अपनी नियत टटोले लोग कि क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, ये बात मैंने कभी नहीं कही। ये देश कांग्रेस और तमाम सारी जो उदात्त परंपराएं हैं उनका देश है और उसमें उनकी भारतीयता है। उन उदात्त परंपराओं में कांग्रेस भी कांग्रेस भारतीयता के प्रतीक लगातार रही है, कोई और नहीं रहा है। मैं कभी ये कह ही नहीं सकता, कांग्रेस भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती रही है। स्वाधीनता का आंदोलन भी इसी परंपरा के हिसाब से लड़ा गया था, पूरा स्वाधीनता आंदोलन सबको समेट करके लड़ा गया था और एक तरह से भारतीय समाज और कांग्रेस एक रही है। यही नहीं, आजादी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। किसी भी आप अखबार की रिपोर्ट निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, राष्ट्रपति लिखा जाता था, इस तरह से प्रतीक थी। ये तो आजादी के बाद जब सत्ता में कांग्रेस आई, बाकी सारे विवाद और विभाजन और बाकी चीजें उससे पैदा हुई।
तो इसको सबसे ज्यादा किसने समझा था? गांधी ने समझा था, गांधी भारतीयता के प्रतीक थे, नेहरू ने समझा था, दूसरे स्वाधीनता सेनानियों ने समझा था। ये कहां से आ जाएगा कि मैं कह दूंगा कि मोदी भारतीयता के प्रतीक है? उनकी परंपरा में तो स्वाधीनता आंदोलन में इक्के दुक्के लोग ही शामिल हुए थे, बाद में सब पार्टियों का जन्म हुआ है। इस तरह की मूर्खता की बात की मुझसे अपेक्षा करना, और अगर किसी ने किसी भी नियत से कोई शीर्षक लगा करके कोई चीज प्रचारित कर दी तो मैं उस पर सिर्फ अफसोस कर सकता हूं और कुछ लोगों की बुद्धि पर तरस खा सकता हूं जिनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। सर, आज खुद अजय माकन ने एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल मेरा बेहतर तो ये होता कि आपने क्या कुछ कहा या आपकी पार्टी आपसे पूछती, जो कि तरीका है अंदरूनी रूप से, उस पे आप पार्टी को सफाई देते बिना आपसे पूछे क्या आपसे पूछा गया, और अगर नहीं पूछा गया तो इस पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देना आपको लगता है कि ये? चलिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी वो भूल मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं है, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। द्विवेदी जी, संवाद में एक लाइन कही जाती है कि क्या आपने बोला किस अर्थ में बोला वो महत्व नहीं रखता, क्या अर्थ लिया गया वो महत्व रखता है। यही मैंने अभी कहा। तो आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने कल कहा, कल उसी समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड में आप क्लैरिफाई कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं आती? मैंने जिस सहज भाव से कहा था उसी सहज भाव से कल स्पष्टीकरण आपकी उपस्थिति में मैंने दिया था। Mr. Dwivedi, my point is very simple. You know, you saw what the Congress High Command has just now said in terms of whatever you have said is against the Congress Party's ideology and philosophy. You say you don't need to take lessons from anybody. How do you take this forward? Because this has been right now there is a midst of a Delhi election. This is being seen as an anti-party activity, that this is against the leadership. Whatever it is, so far I am concerned, I never meant all this, and so I am talking to you. And my talking to you was scheduled at 12:30. I shifted it to 1:30 only because of that. द्विवेदी जी, ये जो अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने ये नहीं बुलाई होती अगर उनको ये अनुमति नहीं मिली होती कांग्रेस वाला। मैं इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। क्या नारा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपको लेकर? क्या नाराज हैं जिस तरीके से आपको लेकर? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जो मेरे लिए ज्यादा गंभीर विषय। हाँ, पीछे से आपको लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस बयान का, जो आपने इंटरव्यू दिया है, इसको ट्विस्ट करके इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। एक सेकेंड मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ये इसीलिए बुलाया था कि वो जो चीज कही गई है गलत है, जो मुझे कहना था मैंने स्पष्ट कर दिया, उसमें तारीफ और ये सारी बात है, उससे मैंने आहत अनुभव किया है। इस तरह का न लिखना चाहिए था, न छपना चाहिए था, अब बोलना चाहिए था, वो मैंने कहा नहीं। नॉट एट ऑल, देयर इज नॉट इवन सिंगल वर्ड, एवरीथिंग हैज गॉट मिक्स्ड अप बिकॉज द रिपोर्टर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एजेंसी हैज गिवन अ डिफरेंट हेडलाइन टू इट। There is nothing like that. अब ये सब कानून के नहीं, परसेप्शन के बारे में। जी ने कहा कि पार्टी आला कमान जो है जल्दी ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, क्या पार्टी? भाई, पार्टी आला कमान पर मैं टिप्पणी कैसे कर दूं? आला कमान के सामने अपनी बात रखी, कोई बात नहीं। सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के सलाहकार और राहुल गांधी के सलाहकारों की लड़ाई है। Do you think it would have been better if they would have called you separately? नहीं, ये मैं पार्टी के अपने बीच की बात नहीं करूंगा, मैंने आज तक कभी किया आपसे? That's all, thank you, please. सर, बस एक सवाल, भारतीयता का सवाल उठा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
सर मेरा सवाल ये है कि आपको आप ये मानते हैं कांग्रेस अध्यक्ष में भारतीयता का प्रतीक है या नहीं, सोनिया गांधी भारतीयता का प्रतीक है या नहीं? ये इंडिविजुअल सवाल करना ये उसी तरह का काम है जो अभी जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। मैंने अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ कहा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतीक होता है अध्यक्ष। चलो आप इस पर बात बाद में करें।